कश्मीर फाइल्स पर बवाल, फिर दी केरला स्टोरी पर सवाल, और अब दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। फिल्मों पर बवाल की कहानी की अभी तो शुरुआत है। अजमेर 92 के साथ साथ 72 हूरें भी कतार में हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों पर बनी कश्मीर फाइल्स की कामयाबी के बाद ऐसी फिल्मों की बाढ़ आने वाली है। फिल्मों के जरिए इतिहास के कुछ काले पन्नों को पलटने के लिए बॉलीवुड में रेस लगी है। गैर मुस्लिम लड़कियों के धर्मांतरण, लव जिहाद और ISIS जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बनी दी केरला स्टोरी पर बवाल भी खूब मचा और फिल्म ने कमाई भी खूब की। 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में ना दी केरला स्टोरी के समर्थकों की कमी है न विरोधियों की, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली। दी केरला स्टोरी के बाद अब अगले महीने 72 हूरें नजर आने वाली है। 72 हूरें एक फिल्म है जो 7 जुलाई 2023 को रिलीज होगी। टीजर रिलीज होने के साथ ही फिल्म पर विवाद भी शुरू हो गया। टीजर में दिखाया गया है कि कैसे मासूम युवाओं को मरने के बाद 72 हूरों का सपना दिखाकर उनसे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस फिल्म के टीजर में ओसामा बिन लादेन और अजमल कसाब की तस्वीरें दिखाकर कहा जा रहा है कि इन लोगों ने बेगुनाहों की जान ले ली। किस लिए? 72 हूरों के लिए। रिलीज से पहले इस फिल्म को IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिल चुकी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे इस्लाम की छवि खराब करने वाली फिल्म बताकर विरोध कर रहे हैं। फिल्मों पर बवाल के बीच अगस्त में रिलीज हो सकती है दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। फिल्म के निर्देशन को वेस्ट बंगाल पुलिस ने लीगल नोटिस दिया। आरोप है कि फिल्म के जरिए बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये फिल्म बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों पर आधारित बताई जा रही है जिन्हें पश्चिम बंगाल में वोट के लिए बसाया गया और जिनकी वजह से हिंदू परिवार अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। लेकिन सबसे सनसनीखेज फिल्म जो कतार में है उसका नाम है अजमेर 92। इस फिल्म को लेकर चारों तरफ बवाल मचता हुआ नजर आता है। ये फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में अजमेर दरगाह कांड या अजमेर रेप कांड का सच दिखाए जाने की बात है। अजमेर रेप कांड में 100 से ज्यादा लड़कियां इसकी शिकार हुई। बहरहाल कश्मीर फाइल्स दी केरला स्टोरी पर बवाल के बाद अब दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, अजमेर 92 और 72 हूरें जल्द ही रिलीज होंगी। माना यह जा रहा है कि ये फिल्में भी अच्छी कमाई कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।